ये इस्लामिक रीति रिवाज में नहीं आता है। अगर ये इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा होता तो आपने फैसला ये दिया है कि हिजाब इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है। अब अगर इस्लाम को देखें तो वहां पे काफिर की हत्या जायज है, तो कल को अगर इस्लाम को मान के फैसला दिया तो काफिर की हत्या जायज है, तो मतलब फिर तो मारो, फेलो, एक एक को काट दो, कोई सजा नहीं होगी। कि आज इनकी संख्या कितनी है तो ये सिर्फ बोल रहे हैं, जहां पे संख्या बढ़ी इन्होंने वाकई न्यायालय को नहीं माना। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म आपके सामने जीवंत उसका उदाहरण है। मैं वो क्या बोलूं जो अदित भारती ने बड़े प्यार से कहा था, अपने शरीर के कौन से हिस्से पर रखा है, इन्होंने एक्चुअली कानून को वहीं पे रखा हुआ है। और इनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। ओपिनियन दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब बाय मुस्लिम विमेन does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. जज साहब ये दलील दे रहे हैं कि हिजाब जो है इस्लामिक रीति रिवाज का अंग नहीं है, ये इस्लामिक रीति रिवाज में नहीं आता है, इसलिए आप स्कूलों में यूनिफॉर्म में आए। हिजाब इस्लामिक रीति रिवाजों का हिस्सा नहीं है। अब हमारा ये सवाल है माननीय, अगर ये इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा होता तो आपने फैसला ये दिया है कि हिजाब इस्लामिक रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है। आपने कुरानों के हदीसों के हवाले से ये पूरा फैसला दिया है और आपने बोल दिया कि कुरान शरीफ में हदीसों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हिजाब जो है वो लाजमी है पहनना। इस्लामिक कल्चर में हिजाब की कोई आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ये बोलती है। मैं ये पूछता हूँ, अगर से लिखा होता कि हिजाब पहनना आवश्यक है तो आपका फैसला क्या होता? तब क्या आप ये कहते कि चलो तो यूनिफॉर्म मत पहनो, हिजाब पहन के आओ? क्योंकि ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है आने वाले समय में। आज 2022 में आपको समझ नहीं आएगा, याद करोगे 140 करोड़ की आबादी में एक ही पागल आदमी था जो इस दिन भी रात को 10 बजे बैठ के उंगली कर रहा था, सारी दुनिया इस फैसले का जश्न मना रही होगी। लेकिन मैंने दीपक भाई वो बाल बराबर वो बात इसलिए पकड़ी है क्योंकि यहाँ पे शब्दों की बात है और कोर्ट के जो होते हैं, जब आपका बेल हुआ था मैं आपके बेल पेपर को भैया जब सब देख रहे थे ना, मैं कई घंटे तक पढ़ता रहा। लोग कहते शुभम भाई पागल हो गए, बेल मिल गई खुशियाँ मनाओ, दीपक भाई विनोद भाई बाहर आ रहे हैं क्या, कागज चाटते रहते हो सारे दिन। मैंने कहा भाई मेरा तो धंधा ये कागज चाटने का, क्या करूँ, कागज नहीं चाटूंगा तो वो एक एक शब्द पकड़ते हैं भैया, कोमा फुल स्टॉप तक में फेल होता है। संदीप धामा भाई लिखते हैं इस्लाम में काफिरों को मारना जायज है। जल्द ही इसी फैसले का हवाला देके हिंदू एक की हिंदू की हत्या को जायज सिद्ध किया जाएगा। वाह, आप बहुत बड़ा पॉइंट दिया है कि हाँ इस्लाम में तो काफिर की हत्या जायज है। बस मैं यही कहना चाह रहा था जो मैंने मुंह से नहीं बोला, संदीप भाई आपने बात पूरी कर दी। दीपक भैया ये देखो, जो मैं मुंह से नहीं बोला था, हिजाब में कोर्ट ने यह बोला है कि इस्लाम में हिजाब कहीं भी जरूरी नहीं है तो स्कूल में मत पहनो। वेरी गुड, फैसला आया, देश ने जश्न मनाया, गुड गुड गुड, तालियां तालियां तालियां। लेकिन क्या कहा कि इस्लाम में जरूरी नहीं है। अब अगर इस्लाम को देखें तो वहां पे काफिर की हत्या जायज है, तो कल को अगर इस्लाम को मान के फैसला दिया तो काफिर की हत्या जायज है, तो मतलब फिर तो मारो, फेलो, एक एक को काट दो, कोई सजा नहीं होगी। ये वो पॉइंट था जो मैं रेज करना चाह रहा था, जो मेरे भाई संदीप धामा ने लिख दिया। संदीप भाई आपके लिए अभिनंदन, बस आपने वो बात पूरी कर दी, मुकम्मल कर दी, जहां मैं कोमा लगा के बैठा था तब से और इंतजार कर रहा था इस चलते लाइफ में कोई एक राम का बंदा होगा जो उस वाक्य को मेरे को पूरा करेगा। भाई नवा ने आपको प्रणाम, संदीप भाई जियो। कि आज इनकी संख्या कितनी है तो ये सिर्फ बोल रही हैं, जहां पे संख्या बढ़ी इन्होंने वाकई न्यायालय को नहीं माना। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म आपके सामने जीवंत उसका उदाहरण है, पश्चिमी बंगाल आपके सामने उदाहरण है, केरल आपके सामने उदाहरण है, कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे शहर और कहां कहां पे दंगे हुए वो सब कुछ आपके सामने उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है कि इन्होंने कोर्ट को, मैं वो क्या बोलूं जो अदित भारती ने बड़े प्यार से कहा था अपने शरीर के कौन से हिस्से पर रखा है, इन्होंने एक्चुअली कानून को वहीं पर रखा हुआ है। और इनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं, ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, धीरे धीरे आज जो फैसला आया उसको
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में कई साल खींचता रहेगा, तब तक इनकी अपनी तैयारी ग्राउंड पे होती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं मानते हैं।